ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां आज डीएम सुखलाल भारती और एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्र सहित डीएसओ राजीव कुमार मिश्र ने खाद्य विपणन गोदाम पर अचानक छापा मारा। अचानक खाद्य विपणन गोदाम पर डीएम के पहुंचने पर सभी में हड़कंप मच गया। गोदाम पर लापरवाही मिलने पर डीएम सुखलाल भारती ने एसएमआई भगवत स्वरूप को फटकार लगाई तथा अपने सामने ही राशन तुलवाया और कंप्यूटर कांटे का इस्तेमाल करने के लिए कड़ाई से निर्देश दिए। डीएम ने एसएमआई को निर्देश देते हुए कहा कि राशन डीलरों को पूरी मात्रा में राशन गोदाम से मिलना चाहिए। गोदाम से राशन की घटतौली या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। गोडाउन की जाँच मैंने अपने एडीएम साहब के डीएसओ साहब साथ करी है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा वहाँ लगा हुआ है और उन लोगों उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ऐसे अंदाज से दे रहे थे बोरे के हिसाब से, तो उनको इजाज़त दी गई है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा और से ही जांच करके दें, वजन करा के। और हम लोगों ने अपने सामने ही कांटा करा करके उनको दिया है, जो डीलर आया था उठान कर रहा था उसको दिया था। कुछ कुछ बोरों में कुछ में आधा आधा किलो की कमी पाई गई थी, जिसकी पूर्ति भी करा दी गई थी, और विशेष करके कोई विशेष से उसमें कमी नहीं नज़र आई है, लेकिन उसको हिदायत दी गई है कि उसका कांटा से तौल के ही दें, अंदाज से न दें। सर, गोदाम में रखा हुआ राशन ठीक था, खराब तो नहीं हुआ? राशन तो बहुत अच्छी क्वालिटी का उसमें आ रहा है, चावल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है और गेहूं भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, 15 अप्रैल से राशन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है चावल का, शासन के निर्देश के क्रम में, उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद में क्या इंतजाम किए गए? देखिए, सारे एक तो जितने हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहबान हैं, तहसीलदार हैं और जनपद के जितने अधिकारी हैं, जिलास्तरीय अधिकारी हैं, सबको लगा करके और जहाँ जहाँ से बटना डीलरों के माध्यम से जो बटना है, सब जगह हम लोगों ने सत्यापन करके एक लगा रखी ड्यूटी लगाई रही है, अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रही है, वो अपनी देख रेख में सबको बटाएंगे। चूँकि यह राशन बहुत फ्री में राशन बट रहा है, सबको बट रहा है सभी कार्डों पर, तो इस पर बहुत ही सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ये समस्त अधिकारियों को बताया चुका है और आप अवगत होंगे कि 1 अप्रैल से हम लोग पूरे जनपद में जो राशन का वितरण कर रहे हैं, जिसमें अंत्योदय का है और जो जाब कार्ड धारक उनको फ्री में दिया जा रहा है, और पात्र गृहस्थी वालों को 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जा रहा है, और बहुतों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है, 12-13 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हो चुकी है। तो इसलिए बहुत लोग अब लोग सावधान हो गए हैं, कोटा डीलर और जन सारे रिसिप्ट सावधान है, और अनियमितता की शिकायतें अब लगातार बहुत ही कम होती जा रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज मैं गोदाम पे जब गया था जांच करने के लिए उठान का, तो वहाँ पर बहुत अधिक शिकायत नहीं मिली है, लगभग सारा सामान जो है ठीक ठाक मात्रा में दिया जा रहा है, तो छोटी मोटी कमियाँ तो दूर हो जाएंगी। अब इस तरह की समस्याएं जो पुरानी से शिकायतें आ रही थी, इस तरह की शिकायतें जनपद में नहीं रह गई।